मालपुरा उपखंड के डिगी नुक्कड़ चौराहे पर से अवैध बजरी से भरे डंप ट्रेलर ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरकर रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 से 4 बजे तक जयपुर के लिए बजरी का आवागमन चरम पर है। इन बजरी से भरी गाड़ियों के आगे पीछे रेकी के तौर पर बजरी तस्कर लग्जरी गाड़ियों में चलते रहते हैं, जिनके साथ खतरनाक किस्म के व्यक्ति भी साथ रहते हैं जो नशे में दूत रहते हैं। यही हालत गाड़ियों के चालक पैरे चालकों की रहती है, जिससे कभी भी कहीं भी क्षेत्र में बड़े हादसे का रूप ले सकता है। गौरतलब हो कि राजस्थान हाई कोर्ट की रोक होने के बावजूद अवैध बजरी खनन अवैध रूप से बजरी तस्करों द्वारा बजरी सप्लाई की जा रही है। वहीं आज रात्रि को डिगी थाना अधिकारी हीरा लाल ने अवैध बजरी से भरे दो डंप जब्त किए हैं। वहीं थाना अधिकारी ने बताया कि चालक व परिचालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वहीं अवैध बजरी के निर्यात के लिए डिगी नुक्कड़ मुख्य रोड बना हुआ है, जिससे रात्रि को धड़ल्ले से गुजरती है बजरी से भारी गाड़ियां। उधर पुलिस स्टाफ की कमी तो थाने में एक जीप है केवल, साथ ही थाने क्षेत्र का सकल है काफी बढ़ा। अब एक गाड़ी रात्रि गश्त करे या नाकाबंदी, वही पुलिस स्टाफ की खलती है कमी। डिगी थाना क्षेत्र एरिया बड़ा होने के बावजूद भी पुलिस स्टाफ पर्याप्त नहीं है, यहां पर पुलिस स्टाफ बढ़ाने की है जरूरत।